बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप कैसे जो GTA San Andreas है उसका जो क्लियो मोड है वो सिर्फ एक ही क्लिक में है। कोई कार हो, कोई क्लियो स्क्रिप्ट हो या कुछ भी, आप एक क्लिक पे उसका इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को दबाओ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि लॉक है, उसको अनलॉक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस पर ओपन होगे। तो दोस्तों, इस बात को अपने याद रखना है कि उसको आपने सिर्फ क्रोम ब्राउज़र में ही ओपन करना है लिंक, वरना लिंक वर्क नहीं करेगी। और दूसरी बात, अगर आप मेरे बताए गए तरीके से लिंक को नहीं अनलॉक करोगे तो लिंक तब भी वर्क नहीं करेगी, फिर मत बोलना कि एरर आया है। तो दोस्तों, यहाँ से अपने टेकनी वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा, यहाँ पे अपने सब एंड हिट बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से अपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, ये आपको चैनल पर ले आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने आकर यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने खुद इस लिंक को बनाया है तो मैं इसको नहीं आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए अब इसे मैं फिर आपको उस एप्लीकेशन में ले जाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप इसको क्रोम ब्राउज़र के अलावा यूसी ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन ओपन हो रही है तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके भी कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको क्ल्यू दिखा देता हूँ। क्ल्यू पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्ल्यूज़ नज़र आएंगे। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पेज करना है और यहाँ से आपको बहुत सारे क्ल्यूज़ मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो डाउनलोड करना चाहिए आपने सिर्फ, मैं जैसे कि आपको कोई कार बता देता हूँ, कार का कोई DFF ले लेते हैं, जैसे कि DFF कार, और यहाँ पर कोई कार हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हाँ ये Lamborghini, और इसकी जैसी लोड होगी तो मैं आपको बता देता हूँ, या ये। तो दोस्तों, ये जो Lamborghini है ये मुझे बहुत पसंद आया तो मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये ऐड आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सिर्फ इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करोगे यहाँ से अलाउ होगा और ये इंस्टॉल होना शुरू, जैसे ये डाउनलोड हो जाए आपके मोबाइल में GTA San Andreas होना लाजमी है। तो दोस्तों, जैसे ये इंस्टॉल होगा खुद बहुत ये हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा ये आप गेम को ओपन करके आप अपनी Lamborghini को क्ल्यू मोड के ज़रिए ढूंढ लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने ये नहीं किया हुआ डाउनलोड GTA San Andreas को, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। तो इस वजह से उसने लिख दिया फाइल नॉट फाउंड GTA 3 IMD। तो अगर ये होता तो ये खुद बहुत इसको रिप्लेस कर देता। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।